फिर भी वो मानेंगे नहीं, क्या कर सकते हैं इतने जाहिल लोगों का, क्योंकि आपको पता है सिखाया ही नहीं जाता शुरू से। अगर किसी को सिखाया जाए ना कि आपको मतलब कोई रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना, पाकिस्तानियों को ये सिखाया ही नहीं जाता यहाँ पे। आज की वीडियो सीधा पाकिस्तान से आ रही है, पाकिस्तान के मजेदार लोग, उनके मजेदार ओपिनियन, और एक अलग ही लेवल पे अलग ही दुनिया में जीते हैं। पाकिस्तान आर्मी नंबर वन इन द वर्ल्ड एंड इनोसेंट पाकिस्तान। यस, तो एक इनोसेंट पाकिस्तानी, एक शरीफ से पाकिस्तानी जिसको दुनिया की कोई खोर खबर नहीं है। तो देखते हैं इस चीज़ पे आज का मैं एक्सप्रेसिव रिएक्शन। आपको मेरे सेक्शन देखने मजा आता है, वीडियो लाइक जो करना, चैनल सब्सक्राइब जो करना, और जो वीडियो लिंक और रिएक्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, नहीं निकल सकता फिर भी नहीं। आपको पता है हमारी पाक आर्मी पूरी दुनिया में नंबर वन है। ओ भाई, हमने बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ा है और इंडिया को भी पीछे छोड़ा है। कितनी बार नशा किया, इंडिया निकल ही नहीं सकता हमारे यहाँ से आगे। हज़ी कमाल की है, ये हज़ी कमाल की है। चलो एक मिसाल है कि वो निकल के आके, तो अब हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे उसे आगे निकल सकते हैं। मिसाल भी क्यों माने, निकल ही नहीं सकता वो पाकिस्तान से। आपने सबसे पहले घबराना नहीं पड़ता यार, ये तो बंदा नॉलेज इंटरनेट मुझे तो ये अच्छा लगता है। तो शुरू करते हैं बिना किसी बक्चोदी के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जय श्री राम। आपका नाम? वकार यूनुस। और मेरा नाम विराट कोहली। वकार यूनुस जबरदस्त, क्या करते हैं? बॉल टेम्परिंग करते भाई। ओ माय गॉड, टू रूल। आप वकार यूनुस करते हैं तो बॉल टेम्परिंग। मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूं। इंजीनियर है। आपका नाम? अब्दुल माजिद। क्या करते हैं? टेक्सटाइल इंजीनियर। आप सब इंजीनियर ही होंगे, ठीक है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? नहीं, कि कोई ऐसी फील्ड बताएं या कुछ ऐसा बताएं जिसमें हम इंडिया से आगे हैं या अगर पीछे हैं तो आगे निकल सकते। जी मैं इस बारे में आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी पिछले साल की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उसमें हमने बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ा है और इंडिया को भी पीछे छोड़ा है। क्या क्या बोला? हमने बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ा है और इंडिया को भी पीछे छोड़ा। और इन्होंने टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया, इंडिया को भी छोड़ दिया और बांग्लादेश को भी छोड़ दिया। तो इंडिया वालों, तुम तो बिल्कुल पीछे हो पाकिस्तानियों से, सिर्फ जहालत में। अबे साले, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में ये चीज कंफर्म मतलब कह रहे हैं? जी एज अ टेक्सटाइल इंजीनियर हम कंफर्म कहते हैं, हमें पता है इसके बारे में। तो इन भाई साहब की गलतफहमी कर देते हैं दूर। हम करते हैं गूगल पे सर्च की आगे पूरी दुनिया के अंदर टॉप 10 में कौन कौन सी कंट्रियां हैं। आपको लगा था हमारी स्टोरी नॉनसेंस है? नहीं, पाकिस्तान तो नंबर वन होगा क्योंकि उसने भारत और बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ दिया था। बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, नहीं है तो हमें दुनिया की टॉप 10 कंट्री के अंदर चाइना का फ्लैग दिख रहा है, लेकिन ये गलत है भाई। यहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग होना चाहिए और नहीं तो क्या। मतलब टॉप 3 में इंडिया और टॉप 5 में बांग्लादेश है, पाकिस्तान टॉप 10 में भी नहीं है, लेकिन भैया की खुशी के लिए मैं पाकिस्तान को नंबर 1 बनाता हूँ। सिर्फ आपका ही एक जो इंस्टीट्यूट है या जो आपकी इंडस्ट्री है उसकी एक्सपोर्ट हो आप उसके। नहीं, मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आप 2021 का डाटा उठा के देख लें, उससे भी आपको पता चल जाएगा। अबे ही जाएंगे 2000 की अभी अभी गुजरा है वो नंबर पागल है क्या? एक बार तो डेटा दिखा दिया, बार बार डेटा दिखाने की हमको हिम्मत नहीं है। ऐसी बातें हमारे ये बताएं कोई ऐसी फील्ड है आप लग रहा है कि आपको बड़ा नॉलेज है कोई ऐसी फील्ड है जिसमें हम पाकिस्तानी आगे हैं इंडिया से? बस क्या करेंगे, ऑनलाइन अर्निंग में अब हमसे काफी आगे हैं। ऑनलाइन अर्निंग में आईटी की बात कर, आईटी और अमेज़न सेलर अकाउंट में पाकिस्तान इस टाइम 4th नंबर पे है। कब हो गया ज्यादा? ये मेरा भाई कोई सस्ते नशे करके आया है। कितनी बार कहा सस्ते
इसको ये नहीं पता है दुनिया के अंदर भारत का आईटी एक्सपोर्ट इतना ज्यादा हो गया है कि जो जितना सऊदी अरब तेल बेचता है उससे भी ज्यादा भारत आईटी एक्सपोर्ट करता है। और ये घरे का बच्चा बनता है कि पाकिस्तान नंबर वन है आईटी एक्सपोर्ट। आज इंडिया 150 बिलियन डॉलर 150 अरब रुपए की एक्सपोर्ट करता है आईटी की। और दुनिया में कितना नाम है सऊदी अरब का टोटल तेल जो बेचता है 110 बिलियन डॉलर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो आईटी की वो सऊदीया की ऑयल एक्सपोर्ट से बढ़ चुकी है। वो भी एक इंजीनियर स्टूडेंट का, तो जहालत का कोई पैमाना नहीं आता पाकिस्तान में, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो, जहालत इनको गोल्ड गिफ्टेड मिलती है। वो कैसे मिलती है मैं बताऊंगा वो बाद में। ठीक है भाई, आईटी की अगर बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि आईटी इस टाइम एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडिया के समझ लें ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया को माना जा रहा है कि आईटी में इंडिया सबसे आगे है। लेकिन मैं पिछले साल के आपको आजाद शुमार के मुताबिक बात कर रहा हूं कि जो हमारा अमेजोन का सेलर अकाउंट है, ये जो अमेजोन के ऊपर जितना भी काम हो रहा है उसमें पाकिस्तान चौथे नंबर पे, इंडिया पांचवें नंबर पे। आपको पता है अमेजोन की आप बात कर रहे हैं, अमेजोन जैसी सैकड़ों जो उनकी कंपनीज हैं वो इंडिया में चल रही हैं। ठीक है, तो एक कंपनी को आप कैसे कंपैरिजन करवा सकते हैं 100 कंपनियों के साथ? लेकिन इससे पॉसिबल है, ये जनरल कॉमन सेंस वाली बात है कि एक कंपनी 100 कंपनी या 100 से ज्यादा ऐसी कंपनीज हैं जो अमेजोन से ज्यादा बेहतर काम कर रही हैं और आप कह रहे हैं कि अमेजोन ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इससे पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये अभी शुरुआत है बेटा, लगता है तुम भूख खा के ही मानो। अब चलते हैं भेंट की तरफ, अभी मजा आएगा ना वीडियो। बहुत गंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रुस्तम अली। रुस्तम अली क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, जबरदस्त। मेरा आज का सवाल ये है कि आपको ये पता है कि इंडिया हमारे से कितना आगे निकल चुका है, आप इस चीज को तस्लीम करते हैं? नहीं, मैं मानता ही नहीं हूँ, वो निकल ही नहीं सकता। कैसे कैसे लोग रहते हैं, भाई ने बोल दिया इंडिया आगे नहीं निकल सकता तो नहीं निकल सकता, नहीं निकलता कोई बहस नहीं करनी इस मुद्दे पे, कोई भाई को कुछ नहीं बोलेगा। मेरे भाई निकल चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। और किस फील्ड में? हर फील्ड में, मतलब एजुकेशन की बात की जाए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, इकोनॉमी की, हेल्थ की बात की जाए, इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। नहीं निकल सकता फिर भी नहीं, आपको पता है हमारी पाक आर्मी पूरी दुनिया में नंबर वन है। अगर गूगल करेंगे तो पाकिस्तान की आर्मी टॉप 9 के अंदर मिलेगी, नंबर वन तो बहुत दूर है भैया, बहुत दूर है। चाहे लो पाकिस्तान में आज भी जंग आपस में लड़ी जा रही है। भाई मैं वो बात नहीं, मैं फील्ड की बात कर रहा हूँ, शोबों की, यानी एक होता है ना तलीम, उसमें हमारे से आगे होता है ना मेडिकल का शोबा जिसमें मतलब दवाइयाँ शवाइयाँ सारे शोबों में हमारे से आगे निकल चुका है। तो कैसे निकल गया? इंडिया निकल ही नहीं सकता हमारे यहाँ से आगे। कंट्रोल क्यों नहीं निकल सकता, बिल्कुल तो दे तेरा बोलना निकल ही नहीं सकते हो भैया तुम तो आगे। मेरा तो अब मन ही नहीं हो रहा, मैं मेरे को नहीं निकलना भाई, मुझे करना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है भाई, मुझे अब इसके आगे करना ही नहीं है, हो गया बस। इसकी वीडियो काफी बैठ गया, मैं मान ही नहीं रहा बंदा, मान ही नहीं रहा भाई बंदा, तो कहते निकल ही नहीं। हां ना फिर आगे बोल रहे हो, मानेगा ही नहीं तो तुम मुझसे जीतोगे कैसे? चल एक सवाल है कि वो निकल गया आगे, तो अब हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे उसे आगे निकल सकते हैं? मिसाल भी क्यों माने, निकल ही नहीं सकता वो पाकिस्तान से। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आपको कैसे, आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं निकला? हमारा इतना अच्छा मुल्क है पाकिस्तान, पाक मुल्क है, यहाँ इनसे आगे कोई भी नहीं निकल सकता। कोई शक नहीं इसमें, कोई शक नहीं, पाकिस्तान मेरा भी मुल्क है, मुझे भी बड़ा प्यार है, लेकिन सच को भी तो मानना है कि इंडिया आगे निकल चुका है। ये सब झूठ है, झूठ है, पाकिस्तान से आगे कोई भी नहीं निकल सकता, वो इंडिया हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, जो भी हो, पाकिस्तान से कोई भी आगे नहीं निकल सकता। बहुत दूर चला गया, कौन सा फूंक रहा है, मुझे भी चाहिए। क्या था सुन सुन के भाई, निकल ही कैसे सकता भाई, मैं मिसाल कैसे मान लूं, मैं एक्सेप्ट कैसे कर लूं? तो भाई बिल्कुल हम भी जो है ना इस पे क्या कहें कि भाई जब बंदा मान ही नहीं रहा तो हम कैसे मनवाएंगे? बात है भाई, कोई हारे तो बंदा जीतता है ना, जब कोई हारे ही ना तो फिर जीतना किस बात से, बंदे थक जाते हैं लेकिन वो नहीं जीत पाता। अब कि ये जो वीडियोस है वो तो पूरा जहाँ जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक, ऐसे अदर कंट्रीज में भी होगी, कोई भी ऐसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की इस तरह की कोई बात होती है तो यू शुड पाकिस्तान एक्सपोर्ट में इंडिया से आगे है, फिर दूसरा वो ढीठ बंदा जो मान के नहीं राजी हो रहा।
आई एम क्वाइट श्योर उससे तुम पूछ लेते ना कि अर्थ फ्लैट इन फ्लैट है तो वो भी यही बोलता, स्पेशली आखिरी वाला ढीठ बंदा, हो सकता है टेक्सन इंजीनियर अलग बोल देता कि उसे पता होगा, लेकिन वो आखिरी वाला बंदा पक्का बोलता कि हाँ जी अर्थ फ्लैट है, पक्की बात है, क्योंकि वो अलग ही दुनिया में जी रहा था, उसने माननी नहीं थी, उसने सिर्फ अपनी चलानी थी, लेकिन ऐसे लोग मजे आ जाते हैं, टाइम पास करते हैं, हमारा भी सबका दुनिया का। तो ये आज के बारे में सब रिएक्शन, आपको मेरे रिएक्शन देखने मजा आता है, वीडियो लाइक करना चैनल सब्सक्राइब करना, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।